भिंड जिले के एक अस्पताल में लापरवाही से एक मरीज की मौत होने का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला विवेकानंद हॉस्पिटल का है, जहां एक मरीज के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि गुलशन उर्फ गोलू निवासी ग्राम लहरौली की तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर द्वारा प्राथमिक इलाज देने के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया था और परिजनों द्वारा मरीज को ग्वालियर ले जाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान एक युवक के कहने पर परिजनों ने उन्हें विवेकानंद हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। वहां 4 से 5 घंटे तक इलाज चला और बड़ी रकम वसूली गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि मरीज के मौत के बाद भी उनसे इलाज के नाम पर पैसे लिए गए और उन्हें देखने भी नहीं दिया गया। इसके तहत ही परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने हस्तक्षेप किया और शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं सीएसपी अरुण कुमार उइके ने जांच के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कही है। भिंड से प्रदीप रजावत की रिपोर्ट। उसकी तबीयत बिगड़ी तो हम जिला हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ से डॉक्टरों ने उसे रेफर किया, उसे एम्बुलेंस से लेके जा रहे थे, बीच रास्ते में हॉस्पिटल के आगे जो लोग मिले वो तो दलाल कहें या कुछ भी कहें, उन्होंने कहा विवेकानंद हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होता है, और हम विवेकानंद लेके पहुँचे तो उन्होंने पूरी जवाबदारी ली कि मरीज को हम ठीक करके देंगे, आप इतना पैसे दो उतना पैसे दो, इतना जितना पैसा उन्होंने बताया उतना पैसे हमने दिया। कितना पैसा दिया? 60,000 रुपये के लगभग हमने काउंटर पर जमा किए। 12-15 हज़ार रुपये की जो दवाइयाँ बोली वो दवाइयाँ लेके आए हम। फिर उसके बाद में 12 बजे के टाइम पर उन्होंने हमारा मरीज मृत्यु घोषित बता दिया। वहाँ पर खत्म हो गया था वेंटिलेटर में, तब भी वो बिल मांग रहे थे और बिल के पैसे भी दिए, 2,000 की दवाई भी मंगाई, पर उन्होंने रेफर के लिए लिख दिया वहाँ ग्वालियर के लिए। और उसके बाद जब हमने देखा वहाँ पे अंदर जाने नहीं दिया, जब बाहर आया हमने एम्बुलेंस में देखा हमारा भाई खत्म हो चुका था, तो हम लोगों ने मतलब बुलाया सबको, कोई आया नहीं, बोला जाओ जल्दी जाओ, डॉक्टर साहब ने उल्टा सीधा बोला और अपने सिक्योरिटी वाले को बोल के 315 की राइफल मारने के लिए बुलवाया। ये उमरी क्षेत्र का गुलशन राजावत करके एक व्यक्ति था, 23 साल, उसने पॉइजन खा लिया था, तो जिला अस्पताल लेके आया उसके भाई, जहाँ पर जिला अस्पताल में ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया था, और फिर उसके बाद परिजनों ने एक आवेदन दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जब हम ग्वालियर ले जा रहे थे कुछ एजेंट मिले, उन्होंने बोला कि विवेकानंद हॉस्पिटल में इलाज हम करा देंगे और बढ़िया इलाज हो जाएगा, और डॉक्टर उनकी गारंटी भी ले रहे थे कि वो ठीक हो जाएगा। लगभग 4 बजे के समथिंग, 4:30 के समथिंग विवेकानंद हॉस्पिटल में मरीज को एडमिट करा, और उनके परिजनों के अनुसार ये कहा गया है कि वो इलाज के दौरान ही खत्म हो गया था, लेकिन डॉक्टर इलाज करते रहे, उनसे पैसे लेते रहे, और इसी के विरोध में जब इलाज के दौरान जो गुलशन था वो मृत हो गया, तो उसके कि ये डॉक्टरों की लापरवाही है, इनकी लापरवाही है, उसे बचा नहीं पाए, इसी के विरोध में उन लोगों ने विज्ञापन दिया था, थोड़ा